हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आए। आज हम बनाने वाले हैं मिल्क चॉकलेट। बनाना जैसा कि बहुत आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का यूज़ करने वाला है और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मिल्क चॉकलेट ये हमने मोल्ड में बनाए हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसे आइस ट्रे में भी बना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वाइट चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट चॉकलेट के लिए मैं इस तरह का एक बर्तन ले ली हूँ। इसमें मैं पानी रख ले रही हूँ और हम इसी में रखेंगे एक कांच का बोल रखेंगे। आप चाहें तो कांच की जगह में स्टील का भी बोल रख सकते हैं, बट कांच में ये बेटर तरीके से बन जाएगा और पानी ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हम ध्यान रखेंगे और हम इसी में डालेंगे अनसॉल्टेड बटर 2 चम्मच। अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा। अगर आपके पास अनसॉल्टेड ना हो तो आप अमूल का भी बटर यूज़ कर सकते हैं, पर अनसॉल्टेड बटर ज़्यादा बेटर रहेगा चॉकलेट के लिए। तो हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बटर मेल्ट हो गया। अब इसी में हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर भी डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से बटर में मिक्स हो गया है ये, देखिए आप। इसको मिक्स करना ज़रूरी है अच्छे से हमें। अब मैं इसी में ऐड करूँगी 1/2 कप, सेम मेजरमेंट रखेंगे हम, 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे हम। मिल्क पाउडर भी डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसी में हम डालेंगे 5 ड्रॉप वैनिला एसेंस, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। वैनिला एसेंस भी डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिए हैं और बर्तन भी हमें पानी ऊपर नहीं आया है। अब गैस हम ऑफ कर दिए हैं, अभी हम निकाल दिए हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और हम ये चॉकलेट का ये मोल्ड ले लिए हैं। ये आपको मोल्ड मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप आइस ट्रे में भी बना सकते हैं, कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, फ्लावर वाला, हार्ट शेप वाला। बट मैं हार्ट शेप वाले मोल्ड में बनाने वाली हूँ। तो अब मैं इसमें इसकी फिलिंग कर लूँगी अच्छे से। चॉकलेट डाल के फिंगर के थ्रू मैं कर लेती हूँ इसमें मोल्ड में अच्छे से, इसको प्रेस करके ये शेप अच्छे से हो जाए अंदर। अब मैं इसको पूरा फील कर ली हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से फील कर ली हूँ। अब मैं इसी को फ्रीज़र में डालूँगी, फ्रीज़र में ये 5 मिनट के लिए। आप देख लीजिएगा, सेट वैसे 5 मिनट में हो जाते हैं। अब हम फ्रीज़र से निकाल के इसको मैं दिखा रही हूँ, देखिए। अब हम प्लेट में भी रख लेते हैं और नीचे से हम इसको प्रेस कर दिए, बड़ी ही ईजिली ये निकल जाता है चॉकलेट। हम नीचे से प्रेस करेंगे तो फिंगर के थ्रू। तो अब मैं सारे प्लेट में निकाल ली हूँ। तो इसी तरह से हम सारे निकाल ले रहे हैं। ये चॉकलेट बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर पे बनाइए और बच्चों को भी दीजिए बना के, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी आता है। इसे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, चॉकलेट बना के अपने फ्रेंड्स को भी। तो इसी तरह से ये चॉकलेट बनाना बहुत ही आसान है। आप देखिए, देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये देखने में, और ये खाने में उतना ही टेस्टी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका ये वाइट चॉकलेट कैसा बना। मैं आपके साथ एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय बाय।